हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ वॉलेट। मैं एडवोकेट प्रवीण सिंगल आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इस वीक की इम्पोर्टेंट लीगल न्यूज। लेकिन साथ में ही आपके लिए गुड न्यूज है, हम लोगों की मैगजीन पब्लिश हो चुकी है। अगर आपको मैगजीन की कॉपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको मैगजीन प्रोवाइड कराएंगे। उसमें हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि हमारी मैगजीन दोनों लैंग्वेजेस में आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर लीगल न्यूज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या अगर पुलिस ऑफिसर एक्यूज का दोस्त है तो क्या केस ट्रांसफर करना पड़ेगा या ट्रांसफर हो सकता है। चेक बाउंस के केस में जो पुराना सीईओ है, क्या उसके अगेंस्ट भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। और क्या क्रिमिनल केसेस में लिमिटेशन एक्ट, खासकर की सेक्शन 14 एप्लीकेबल होता है। और लिव इन रिलेशन में रहना क्या एक क्राइम है। चलिए इस और भी बहुत कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट लीगल न्यूज। क्या अगर पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर और उसकी वाइफ कंप्लेनेंट के फ्रेंड हैं, तो क्या केस को ट्रांसफर कराया जा सकता है। ऐसा ही एक केस फाइल किया गया जिसमें केस ट्रांसफर करने के लिए ग्राउंड लिया गया कि जो कंप्लेनेंट है उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर और उसकी वाइफ के साथ काफी क्लोज रिलेशन है, प्रॉक्सिमिटी है, तो वो अपने इस केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसलिए हाई कोर्ट में ये पेटीशन डाली गई कि इस केस को चंडीगढ़ के बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए और चंडीगढ़ के अलावा कोई दूसरी पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो केस की ट्रांसफर है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसका ट्रांसफर जो है एक्सेप्शनल केसेस में ज्यूरिसडिक्शन के बाहर ट्रांसफर किया जा सकता है। सिर्फ ये कहना कि पुलिस ऑफिसर और उसकी वाइफ फेसबुक फ्रेंड है या उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, ये इस ग्राउंड पर केस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। एक दूसरे केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई इन केस ऑफ चेक डिसऑनर अगेंस्ट द फॉर्मर सीईओ। वो सीईओ पहले था लेकिन उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई जो कि चेक डिसऑनर का केस था। तो ऐसे केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो एक सीईओ है वो एक पोस्ट है, उसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, कोई एवर्टमेंट नहीं है उसके अगेंस्ट। तो ऐसे केस में सीईओ के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती है। जो सिंगल जज बेंच है, जस्टिस ज्योति सिंह जी की, उन्होंने कहा कि ये एक वेल सेटल्ड लॉ है और एक सिर्फ डेजिग्नेशन को लेकर किसी के अगेंस्ट उसकी वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं बनती है अंडर सेक्शन 138, इसलिए इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब नेक्स्ट न्यूज से पहले एक लॉ समझ लेते हैं, लॉ ऑफ लिमिटेशन, जिसे हम लिमिटेशन एक्ट 1963 भी बोलते हैं। सेक्शन 14 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 कहता है कि अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उस पीरियड को हम लॉ ऑफ लिमिटेशन से बाहर रखते हैं, उसे काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2020 को कोई केस फाइल करना था तो आपके पास 3 साल का टाइम रहता है, अमूमन 3 साल का टाइम रहता है, आप 2023 तक उसको फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर उस बीच में उससे रिलेटेड कोई दूसरा केस चालू हो जाता है तो ऐसे केस में उस जो पीरियड के लिए वो केस चल रहा है उसको लिमिटेशन लॉ से बाहर रखते हैं, उसे काउंट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो लॉ है, वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कहा गया है कि ये सिर्फ सिविल सूट के लिए एप्लीकेबल है, या तो सिविल सूट है, अपील है या रिवीजन है, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। और ये कहते हुए कोर्ट ने पेटिशनर को कहा कि आप ये नहीं बता पाए हो कि जो आपने डिले किया है वो किस रीजन से किया है, और आप सिर्फ इस सेक्शन 14(1) का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, ये जस्टिफाइबल नहीं है, इसलिए उनकी जो एप्लीकेशन है पेटिशनर की, वो पेटिशन को डिसमिस कर दिया गया। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस की। इनिशियली ये केस लाइमलाइट में आया, ड्रग्स के बहुत सारे एलिगेशन लगे। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट में शौविक चक्रवर्ती, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं,
उनको भी बेल मिल गई है बाय एनडीपीएस जजेस और उनको 50,000 के बेल बॉन्ड पर, पर्सनल बॉन्ड पर ये बेल मिल गई है। इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे कि इन्होंने ड्रग्स अरेंज की थी फ्रॉम ड्रग पेडलर्स। लेकिन अब बात यहाँ देखने वाली है कि यहाँ पर जो को एक्यूज है रिया चक्रवर्ती, जिनको पहले ही बेल मिल चुकी है, ये भी एक्यूजेशन लगाया गया है कि इनको, रिया चक्रवर्ती को, ये सारे हैंडलिंग की नॉलेज थी। तो अभी देखते हैं आगे फर्दर क्या डेवलपमेंट होते हैं इसके। क्या लिव इन रिलेशन में रहना एक क्राइम है? जी नहीं। अलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशन में रहना इज नॉट एन ऑफेंस। इस केस में एक 28 साल का मेल और एक 24 साल की फीमेल साथ में रह रही थी और उनकी फैमिली उनको फोर्स कर रही थी, लड़की की फैमिली को फोर्स कर रही थी कि लड़की किसी और लड़के से मैरिज कर ले। लेकिन कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जो लड़का है और लड़की दोनों मैच्योर हैं, दोनों एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर चुके हैं, तो उनके पास राइट है चूज करने का कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, किस रिलीजन को प्रोफेस करना चाहते हैं, और ये इनकी पर्सनल लिबर्टी है और इसमें इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं जर्नलिस्ट राजीव शर्मा की, जिनको अभी बेल मिली है। इनके ऊपर एलिगेशन था कि इन्होंने कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक की है टू चाइनीज अथॉरिटी। यहां पर मैं थोड़ा सा लॉ बता देता हूं कि कोई भी ऑफेंस जिसमें की सजा 10 साल से कम की है और उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस नहीं हो सकता है, तो उसमें डिफॉल्ट बेल मिल जाती है आफ्टर 60 डेज इन केस चार्जशीट फाइल नहीं होती है। तो इनके केस में क्योंकि चार्जशीट फाइल नहीं की गई 60 दिन के अंदर, तो उनको बेल ग्रांट कर दी गई है। एनजीटी ने क्रैकर्स के जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है इन दिल्ली एंड एनसीआर। उन्होंने कहा कि अगर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है या उससे भी ज्यादा खराब है, तो ऐसे केस में क्रैकर्स को जलाने की परमिशन नहीं दी जा सकती है और इसलिए यहाँ पर बैन, क्रैकर्स को जलाने पर बैन लगा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और अगर आपको लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट, आपको कॉर्पोरेट अफेयर्स की डेवलपमेंट या आपको टैक्सेशन से रिलेटेड न्यूज चाहिए, लेटेस्ट डेट चाहिए, न्यूज चाहिए, तो आप हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमने अपने फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है, ईमेल आईडी दिया है, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको हिंदी में चाहिए मैगजीन या इंग्लिश में चाहिए। और साथ में ही हम कुछ कोर्सेज हैं हमारे, जो मीन्स स्पेशली ड्राफ्टिंग से रिलेटेड केसेज हैं, या आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह के फॉर्म भरने चाहिए, भर सकते हैं आप कोर्स में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप, मीन सारे कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाएगी, और आप हमें मेल करके या व्हाट्सएप करके हमसे इसकी डिटेल ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।